जी ये कुछ क्वेश्चन है, हम उसको जो हमने पढ़े हैं ना वो ही उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी वेलकम। हम फर्स्ट ईयर के अभी जो एजुकेशन की हमने देखी है ना वो हम देख रहे हैं। जी ये क्वेश्चन है जी, विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये इसमें कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी होंगे जो हमने पहले पढ़ी है। अब आपने बताना है कि इसमें से चारों में से कौन सा आंसर ठीक है, कि विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी सोशल लाइफ बिकम्स बैलेंस, सोशल लाइफ इवेल्यूएट्स पॉजिटिवली, सोशल लाइफ ऑल बिकम्स ऑफ ऑल ऑफ अबाउट। चलें जी इसको डन करते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहता है जी, इस्लामिक एजुकेशन इनेबल एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज डिवाइन हिमसेल्फ यूनिवर्स। जी आतिफ साहब, मेरा ख्याल है इसका भी ऑल ऑफ अबव ही आना चाहिए। हाँ भी आता है, लगता तो यही है। जी, क्योंकि इस्लामिक एजुकेशन के मुताबिक जो है वो तालीम जो है वो इंसान को अपने आप की पहचान भी करवाती है, कायनात की भी करवाती है और खुदा की भी करवाती है। खुदा की डिवाइन खुदा लेकिन हाँ, इसने डिवाइन का लफ्ज़ खुदा के लिए यूज़ किया हो। वैसे इसका मतलब जन्नत होता है मेरे ख्याल। पर इसने जिस सेंस में लिया है ना वो इसी हिसाब से लिया है। हाँ ले जी, हु इज हाँ जी, नाल जी, वो इन द एंड पे जो टेस्ट पूरा हो जाएगा ना, इन द एंड पे ऐसे अगर कोई जवाब गलत होएगा तो वो इन द जवाब आ जाएगा। वो अच्छा, थर्टी ठीक क्वेश्चन पूरे होंगे ना और फिर उसके बाद पता चल जाएगा अपन को कि अपना क्या सवाल केड़ा सही सी केड़ा गलत सी। जी, ठीक। ही हु इज कॉल्ड द फर्स्ट टीचर। लो जी, ये चार नाम लिखे हुए हैं, हजरत आदम, हजरत मोहम्मद, हजरत नूह और हजरत इब्राहिम। हजरत हजरत आदम ही हो सकता अच्छा जी, आतिफ साहब कह रहे हैं हजरत आदम और आतिक भाई की आवाज़ मुझे आई है हजरत मोहम्मद की। जी, है, हजरत अब क्या किस पे लगाना चाहिए? मोहम्मद। वैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, ठीक है। चले जी, इस पे वोट ज्यादा हो गए हैं, मैं इस पे लगा देता हूँ। ला जी, अगला है जी, एज पर इस्लाम एजुकेशन इज द सोर्स ऑफ अकॉम्पलिशिंग द सेल्फ ऑफ रेसिस, टीचिंग द सोशल वैल्यूज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइन पावर्स। मेरा ख्याल है इसमें भी ऑल ऑफ अबव भी आएगा क्योंकि सारी चीजें ही एजुकेशन के हाँ अंदर। जी, आल ऑफ वैसे भी जहां अबव। ऑप्शन आ जाए ना ऑल अबव, उसमें सारे ही मोस्टली होते हैं, नहीं वैसे कई दफा होता है लेकिन हर दफा नहीं होता। मोस्टली ऐसे ही होता है। चलें, इस्लाम एज अ नेचर ओरिएंटेड रिलीजन टेक्स इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम। ऐसे कहता है, इस्लाम एक नेचर ओरिएंटेड रिलीजन है, ये अपनी जो इंस्पायरेशन है वो किस से लेता है, डिवाइन से, इंट्यूशन से, एक्सपीरियंस से या इंटेलेक्ट से। अब यहाँ पे डिवाइन जहाँ पे प्रोवाइड आएगा ना, आपने इसको यानी कि अल्लाह ताला की तरफ ही मंसूब करना है, यानी वही की अगर नॉलेज की हम बात करेंगे तो वही का जो नॉलेज होता है उसकी तरफ मंसूब कर लें। एक्सपीरियंस इंस्पायरेशन यानी वो अपनी बेसिक्स किस से लेता है इस्लाम जो है। डिवाइन ही है कि हमारी सारी तालीमात तो अल्लाह की तरफ से हैं। चलें जी इसको लगा देते हैं, हो गया जी।
उसके बाद है जी आगे ह्यूमन एबिलिटीज इंक्लूड, ये फिर वैसे आ गया आल ऑफ अबव, इसको लगा देना चाहिए कि ह्यूमन एबिलिटीज कौन सी होती हैं, फिजिकल कोऑगरेटिव सोशल, इसको मैं आल ऑफ अबव पे अब मैं खुद ही लगा देता हूँ। हाँ जी ये आ गया एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ये अभी आज ही हमने पढ़े हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ये वो कहता है जी डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, करेक्टर इंफॉर्मेशन सॉरी करेक्टर फॉर्मेशन, हाँ जी, और अकॉम्पलिशमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, प्रमोशन ऑफ द बायस्ड इमोशंस। अब इसमें जो नहीं है ना यही इसके, है लास्ट हाँ लास्ट वाला जो वाला बायस्ड लास्ट इमोशंस वाला प्रमोशन ऑफ कहते हैं बायस्ड इमोशन। नहीं हो सकता। द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ हीरा मेंशंस वो किसके बारे में थी, यानी उसमें किस चीज का जिक्र है, नॉलेज पेन रीडिंग। रीडिंग रीडिंग अच्छा जी रीडिंग अतीक भाई बोल रहे हैं, अतीक भाई इकरा, आप क्या कहते हो, हाँ जी इकरा, रीडिंग पढ़ अपने रब के नाम से। पहले क्वेश्चन पढ़े जरा, मुझे इसका वैसे आंसर पता है क्योंकि मैंने दिन को ना ये सारे एक दफा चेक किए हुए हैं, चलें देखते हैं लेकिन दोबारा। मैं आप लोगों की इसीलिए आप लोगों की मान के लगा रहा हूँ कि, लेकिन आप क्वेश्चन को एक दफा दोबारा पढ़ें, तीनों मतलब तीनों फर्स्ट चारों जितने भी पार्टिसिपेंट हैं क्वेश्चन इस वक्त, मैं वो ना उस चार पार्टिसिपेंट हैं हम लोग, यानी मेरे समेत तीन है, तीन दूसरे हैं आप लोग, तो तीनों तरह क्वेश्चन को एक दफा देखें कि द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ हीरा मैनिटोर्स, या उस जिसके अंदर असल में क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि उसमें किन चीजों का जिक्र है। ठीक, तो पेन भी आ जाएगा नॉलेज इसके पेन बाद। और रीडिंग तीनों हाँ इसीलिए मैं बार बार कह दो दफा मैंने कहा है कि इसको क्वेश्चन को रीड आउट ही कर तीनों का जिक्र है। अच्छा जी आगे है जी, एवरी मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बीइंग विद रिस्पेक्ट टू, जी आप बताएं कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है किस लिहाज से, लॉ ऑफ फिजिकल डिवेलपमेंट, स्टेजेस ऑफ फिजिकल डिवेलपमेंट, फैकल्टीज नो और नन ऑफ द अबव। नो नो, करेक्टर आना था असल में इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ना जब नन ऑफ मैंने दी, नहीं नन ऑफ भी नहीं है, मैंने वैसे जब लगाया था मैंने उस वक्त बस नन ही मेरा ख्याल लगाया था, तो इसने आंसर दिया था करेक्ट का फैकल्टीज। अब पता नहीं ये फैकल्टीज किस सेंस में दे रहा है या इसको किसके सिनोनिम के तौर पर यूज करता है, इसलिए इसको ये अब हम वाला क्वेश्चन ही था तो मैंने इसलिए इसको क्लियर कर दिया। अभी इसका अगर हम फैकल्टीज ही लगाएंगे ना तो ये जवाब ठीक देगा, तो हम इसकी मान क्योंकि लेते हैं। तकवा की बुनियाद पे अगर वो फैकल्टी को मीनिंग लेता फिर तो कह सकते हैं कि डिफरेंट है, हाँ जी अदरवाइज तो चलें जी आगे है जी, एजुकेशन इज द प्रोसेस, अलग बाबा इसका कि नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी हाँ डेवलपमेंट जी और पर्सनैलिटी सक्सेसफुल डिवेलपमेंट डेवलपमेंट तीनों है और इमो ही है। सारी मेंटल और सोशल सारी तीनों चीजें आ गई। अच्छा जी उसके बाद आ गया जी, हु क्लेम्ड दैट एजुकेशन इज द प्रोसेस, अब ये आ गई डेफिनेशन, अब ध्यान से सोचिएगा सारी डेफिनेशन को कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अ फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट, ये किसने कहा है, हाइपोक्रेट्स, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। अरिस्टोटल, जी दूसरे नहीं पार्टिसिपेंट, वो क्या वो अमिताभ बच्चन कहता होता था लॉक कर दें कौन बनेगा करोड़पति, वो कहता है प्लेटो, अच्छा जी प्लेटो का एक वोट है और एक अरस्तु का है। जी आतिफ साहब एक हमारे साथ जो है ना हाफिज मोइन साहब आए हैं जी आज, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ पार्टिसिपेशन उनकी हो रही है, तो उनसे भी पूछ लेते हैं सर अगर उनको पता हो तो। माइक माइक का प्रॉब्लम आ रहा है, आतिफ साहब तो वैसे ही भाग गए और आतिफ साहब का माइक भी गड़बड़ हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम रिस्पेक्टेड टीचर्स।
जी सर, थैंक यू। जी बहुत खुशी हुई सर आप लोगों को ज्वाइन करके, और आपका ये जो लेक्चर है वो वेरी इंफॉर्मेटिव है। जी सर, अभी ना हमारा सर चल रहा है क्वेश्चन आंसर सेशन, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने इसका जो है ना वो हमें आंसर बताना है। अभी हमारे दो वोट आए हैं, एक अरस्तु की तरफ है, एक प्लेटो की तरफ है, तो मैं जी सर ये इसमें आज जी आई हैव सीन दिस क्वेश्चन हु क्लेम दैट एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। जी जी तो ये अरस्तु ही है मेरे ख्याल में, तो आई थिंक मैंने आज इसको इस पर नजर पड़ रही थी। जी सर क्या कहते हैं आप? चले हम रस्तु लगा देते हैं, अभी थोड़े सेकंडों के बाद जो है ना वो बल्कि मिनटों के बाद इसका हम नतीजा देख लेंगे। चलें जी आगे है। इन द ओपिनियन ऑफ द एजुकेशन इज, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, ये फिर ऑल ऑफ अबव वाला आ गया कि इसमें ह्यूमन की माइंड की डेवलपमेंट भी होती है, सोशल एडजस्टमेंट भी होती है और सोशल कंस्ट्रक्शन भी होती है। अब देख ले ऑल ऑफ अबव लगा रहा है या इनमें से कोई और भी है। हाँ जी ऑल ऑफ अबव भी। चलें जी ऑल ऑफ अबव पे हम आ जाते हैं। आगे है जी द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, और ये वर्ड किस लैंग्वेज के, लैटिन के, लैटिन ये आप भी पढ़ा है। आगे है जी जॉन डेवे डुई या डेवे जो भी है वो कहता है ये होल्ड्स दैट एजुकेशन, अब इसकी एजुकेशन जॉन डेवे की आगे दी हुई है चार डेफिनेशंस में से आपने बतानी है कि डेमोंस्ट्रेशन ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, सोशल अवेयरनेस या डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज। Development of ability. फिर दोबारा देख लें। Experience, reconstruction of experience. हाँ इसको ना याद इस रखने का एक आसान सा तरीका है इसके, खास होकर जॉन ड्यूई का, ये ना मतलब प्ले वे मेथड पे इसका फोकस है, यानी प्रैक्टिकल सिखा के, तो ये लर्निंग बाय डूइंग। हाँ जी लर्निंग बाय डूइंग, तो लर्निंग बाय डूइंग जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस ही है, और अभी भी हमने इसको पढ़ा भी, आज भी पढ़ा है हमने। आगे है जी वर्ड एजुकेयर यानी CERE, जिसका मतलब क्या है जी? ब्रिंग आउट हाँ जी एजुकीर का मतलब ब्रिंग आउट ही है, ठीक है। और आगे है जी ह्यूमन रेस इज द ओनली क्रिएचर दैट कैन बी एजुकेटेड, एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू नीड, एजुकेटेड एंड कॉन्स्टेंटली चेंज्ड, ऑल ऑफ अबव। The process of development is integrated, gradual, continuous, yeah, all of above. All of above. Development continue. ये continue का word आ गया. Continue. Development continue. Continue. आतिफ साहब, development जो है ये हमने psychology में पढ़ा भी था कि development ये क्या है? Integrated, integrated का मतलब होता है इसको हम ले सकते हैं many sided. और ग्रेजुअल आपको भी मतलब आपको पता होगा बतदरीज। हाँ जी कंटिन्यूस का मरहलावार कंटिन्यूस नहीं है जी, आतिफ साहब का ना लगता है नेट का इशू आ रहा है तो वो चले जाते हैं उनकी वजह से, उसकी वजह से। तो चले फिर किस पे लगाएंगे आतिफ साहब? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव
चेक कर लेंगे बाद में क्या बनता है इसका। उसके बाद है जी चेंज इन सॉरी द वर्ड साउंड सोसाइटी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द इंडिविजुअल और डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फैकल्टीज या फिजिकल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड सोसाइटी फर्स्ट और लास्ट दोनों ही हो सकते फिजिकल डेवलपमेंट। अगर देखा जाए साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी चले हम इसको लगाते हैं फर्स्ट को लगा देते हैं। ले जी अब हमारा आने लगा है जी रिजल्ट। ये स्कोर हमारा रहा है जी 17। तीन हमारे गलत हुए हैं ठीक है, तीन हमारे गलत हुए हैं और वो देखते हैं हम कौन से। एक तो हमारा जनाब ये गलत हुआ है जी पहला ही क्वेश्चन। पहला क्या था? पहला था जी विद द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के ह्यूमन पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हमने लगाई थी सारी लेकिन उन्होंने कहा जी सोशल लाइफ बिकम्स बैलेंस। उसके बाद जो गलत हुआ है वो हम देख लेते हैं जी। ये तीसरा गलत हुआ है हु इज द फर्स्ट टीचर हजरत आदम। हाँ जी प्रॉफिट आदम आदम जो है पहले टीचर है सही। उसके बाद ये हमारा 15वां एक गलत हुआ है जी एजुकेयर प्राइमरीली मींस लगाया था ब्रिंग अप लेकिन ब्रिंग अप के बाकी भी सारे एब्रीवेशन ही थे ब्रिंग अप और ये एब्रीवेशन कह रहा हूं सिनोनिम सिनोनिम ही थे तो इसलिए वो इसी वजह से ना वो बाकी इसको हम जरा मैं एक दफा फिर नजर से गुजार लेते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये हो गया एजुकेशन इज सोर्स ऑफ ये हो गया ऑल ऑफ अबव डिवाइन हो गया ह्यूमन एबिलिटीज इंक्लूड और इमोशन ऑफ द पास्ट इमोशन ये भी ऑल ऑफ अबव था फैकल्टीज प्रोसेस। चले मेरा ख्याल इससे हम अगले चैप्टर की तरफ आते हैं इसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि टाइम हमने कल वाली चीजों पे आता हूँ सेकंड ईयर पे इसकी एफ ए की ना। कल जो हम परसों जो हमने चीजें देखी थी सेकंड ईयर की एजुकेशन में ना एजुकेशन पॉलिसी हाँ जी पॉलिसीज ये है अभी यहाँ सेकंड ईयर की ये अलेवेंथ की है ये वैसे ना बड़ा अच्छा फोरम है काफी इससे ना एजुकेशन तीसरा चैप्टर है इनका सेकंड ईयर में नहीं एजुकेशन पॉलिसी सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो है ना सेकंड ईयर का सॉरी फर्स्ट नहीं है सेकंड चैप्टर है पंजाब सेकंड ईयर का पहला चैप्टर है मुस्लिम एजुकेशन उसके बाद है सब कॉन्टिनेंट उसके बाद है पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी। अच्छा ये नीति थर्ड यूनिट जी नहीं जी चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया अभी स्टार्ट। नहीं जी आ गया है कंप्यूटर एजुकेशन इन स्कूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ अब पता चलेगा ये वैसे जिनको नहीं किया हुआ 1992 में
1992 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. हाँ जी आल ही है. नहीं आल कैसे आएगा? मेरा ख्याल है लैंग्वेज वाला है. जी एजुकेशन में डेमोक्रेटिक कंट्री का तल्लक नहीं है इसके अंदर एजुकेशन का, क्योंकि वहां पे ये जिक्र जरूर था कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है. ये जिक्र जरूर था. नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर तालीमी पॉलिसी प्रपोजल नहीं है. हाँ जी लेकिन इस डेमोक्रेसी का उसमें कोई लिंक नहीं है, तो मेरा ख्याल इसको लगाते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है. चलो जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड्स, अपोजिशन ऑफ द मैसेस, नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बदल गई थी तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई. चले जी, इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 मिलिट्री ट्रेनिंग बिकम्स मैंडेटरी फॉर बॉयज गर्ल्स या बोथ या नॉन बोथ बॉयज बोथ बोथ के लिए थी आतिफ अपना थी ये दोनों के लिए ठीक. हां इसको इब्तदाई जो ट्रेनिंग थी इब्तदाई ट्रेनिंग है वो जारी बात है. उन्होंने स्कूल्स के अंदर बेसिक ट्रेनिंग देनी थी. अच्छा जी मिलिट्री वही उसी का अगला क्वेश्चन है कि मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स बिकम कंपलसरी इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 72 72 ये सिर्फ जाला की पॉलिसी में ही रही है. नहीं ये 72 की पॉलिसी जो थी ये जियाउल हक की तो नहीं है ना. ये सदर वो अपना नहीं मैंने पूछा जियाउल हक की पॉलिसी में भी रही. सॉरी आवाज आपकी समझ नहीं आई. मैंने कहा क्या ये जियाउल हक की पॉलिसी में भी रही है मिलिट्री ट्रेनिंग? हाँ जी रही है. हाँ जी उसके अंदर लेकिन इन स्टार्ट इन्होंने किया था. ठीक है आगे आ गया जी. द इन for the enforcement of national education policy 1978 second 5-year plan was developed, third 5-year plan was developed, fourth plan was developed ya fifth plan was developed, kaun sa plan tha jo isko implement karne ke liye announce kiya gaya tha banaya gaya tha? Yahan pe fourth mera kaam fourth fifth. अच्छा जी पहला जो है वो 51 से 57 था ना, लेकिन फिर 55 में आ गया था प्लान. हाँ जी लेकिन अच्छा नहीं वो एजुकेशनल प्लान है तो ये भी एजुकेशनल प्लान ही है. हाँ हाँ जी हम एजुकेशनल की बात 55 से 60 और फिर 60 से 65 से 70 और 75 से 78 के दरमियान कोई काम ही नहीं हुआ. 75 तक आया था फिर 78 से 83 तक था तो ये पांचवा बनता है मेरा ख्याल. हां जी ठीक हो गया इसके अकॉर्डिंग पांचवा. हां जी पांचवा चलिए पांचवा ही लगाते हैं हम. आगे है जी इन ऑल एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान द फाउंडेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन इज इस्लामिक आइडियोलॉजी. इस्लामिक आइडियोलॉजी हम इस्लामिक कंट्री है. इट वाज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 दैट द इस्लामिक टीचर ट्रेनिंग वाज teacher training program would also be introduced in Pakistan Administrative Staff College, National Institute of Public Administration, ya academies of armed forces, ya all of the above. ये जो 1998 की पॉलिसी के अंदर टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी इस्लामिक टीचर ट्रेनिंग का, वैसे इसमें कॉन्सेप्ट दे दिया ये वैसे नया ही पड़ा है इस्लामिक टीचर ट्रेनिंग का. हो सकता है वैसे इसकी कोई टाइपिंग की भी गलती हो लेकिन टीचर ट्रेनिंग का वर्ड जो है ना वो वैसे 98 वालों ने सभी के लिए ये जरूरी करार दी थी टीचर ट्रेनिंग. हम्म, ये सारे हैं. हां जी
आगे है जी, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस फजलुर रहमान सेड, जी प्रेसिडेंशियल एड्रेस फजलुर रहमान सेड ही पेज मोस्ट इम्पोर्टेंस टू द मटेरियल एलिमेंट इन एजुकेशन, स्पिरिचुअल एलिमेंट इन एजुकेशन, प्रोफेशनल एलिमेंट इन एजुकेशन या साइंटिफिक एलिमेंट इन एजुकेशन? अपने शताब्दी खुतबे में उन्होंने कहा था फजल रहमान साहब ने, यानी वो किस पे किसको अहमियत देते हैं, मटेरियल एलिमेंट को, स्पिरिचुअल एलिमेंट को, प्रोफेशनल को या साइंटिफिक को? साइंटिफिक मुझे नहीं एग्जैक्ट इसका भी पता, मैंने ये तो फजल रहमान जो हमारी 72 वाली पॉलिसी है, नहीं नहीं वहाँ तो नहीं, नहीं 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 फजल रहमान जो थे ये पहले इन्होंने पहले 1947 की जो कॉन्फ्रेंस थी। हाँ जी जी, क्योंकि उसी पॉलिसी में साइंटिफिक इंस्टीट्यूट कायम किया गया था ना। चलें यार इसका हम लगाते हैं फिर साइंटिफिक ही देखते हैं फिर क्या आता है। आगे जी, इट वाज स्टेटेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेट एडमिशन इन साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप या टेक्निकल ग्रुप। इसमें इन्होंने डिवाइड किए थे परसेंटेज दी थी, कितने परसेंट इसमें होंगे, इतने परसेंट इसमें होंगे। ये हमारे आर्ट्स में ज्यादा परसेंटेज नहीं, टेक्निकल में 40 थी, आर्ट्स और साइंस में 30% थी, तो फिर टेक्निकल ज्यादा बनती। फिर किस पे लगाएं? लगा लेते, कौन से नंबर काट रहे अभी? आ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। चलें जी पेशेंट टेक्निकल पे लगा लें फिर, मेजॉरिटी इस पे थी। हाँ जी, आगे है जी, इन नेशनल इन एजुकेशन पॉलिसी कॉन्फ्रेंस 1947 द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सेड इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस द सिटीजन शुड नो द सोशल राइट्स एंड ड्यूटीज बाइस एंड फेटल फॉर पाकिस्तान, वी शुड बी प्राउड टू बीइंग पाकिस्तानी या ऑल ऑफ द ऑल ऑफ अबव। क्या लगाए फिर इसका? 47 की जो पॉलिसी है उसमें शहरियत पे जोर दिया गया था कि हकूक और फराइज का पता हो, यानी अगर उसकी उनके लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट बनता है। आपकी इस दलील पे लगा देते हैं। आगे है जी, अकॉर्डिंग टू इकबाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम नेशन, होमलैंड, लैंग्वेज, रिलीजन या रेस? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 के फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल नीड्स थ्रू स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर एजुकेशन, ये तो इसमें एट स्कूल लेवल, और या 100% इनरोलमेंट रेशियो एट प्राइमरी लेवल या ऑल ऑफ अबव। एक तो 100% इनरोलमेंट रेशियो ने कहा था कि प्राइमरी स्कूल लेवल तक हम 2000 और 1992 पॉलिसी जो थी उसमें कंप्यूटर भी था। हाँ जी, तो ये दोनों आ गए तो इसका मतलब है फिर ऑल ऑफ अबव, तीसरा फिर ऑटोमेटिक आ गया। आगे आगे जी, इट वाज प्रपोज्ड इन एजुकेशनल पॉलिसी 1992 दैट नंबर ऑफ सेकेंडरी स्कूल वुड बी इंक्रीज्ड 19,000 से ज्यादा। पहले उस वक्त थे तो कहां तक ले जाए जाएंगे? 48 to 87 आई थिंक, फर्स्ट वाला लगा ले, ये तो ठीक है। कहां तक ले जाना यार? ये फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लगा देते हैं। चलो ये फर्स्ट लगा देते हैं।
Who announced National Education Policy in 1998? غوث علی شاہ, فخر امام, فضل الرحمن یا عبد الرب نشتر؟ غوث علی شاہ. اس وقت کے جو وزیر تعلیم تھے. Which of the following was introduced in National Education Policy in 1998? Merit would be observed for admission. Well-reputed colleges would be allowed to award degrees. University teacher would be given extra salaries. Yeah, all of above. Yeah, all of above. आगे है सत्तारवां. सैलरी का जिक्र आया था. मैंने तो वैसे नहीं पढ़ा था. चले मैडम के कहने पे लगा दिए. देखते हैं क्या. Which of the following 5-year plans was developed for the implementation of the policy 1992? नहीं जी, 1992 की पॉलिसी जो थी उसके लिए कौन सा प्लान आएगा? आप 78 से 83 तक था पांचवा, 88 तक आ जाएगा छठा, और 88 से 93 तक आएगा सातवां. सेवन लगा देते हैं. इट वाज प्रपोज नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 लिखना था, इसने 8 लिख दिया है कि यूनिवर्सिटी शुड कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर 75% मार्क्स का शायद, क्योंकि 25% इंटरनल था शायद. हाँ जी. और 75 एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल तो यूनिवर्सिटी में ले रहा था. इन एजुकेशनल पॉलिसी 1972 इस्लामिक स्टडीज एंड पाकिस्तान स्टडीज वाज डिक्लेयर्ड कंपलसरी. कंपलसरी एजुकेशन वाज डिक्लेयर्ड कंपलसरी. कंप्यूटर एजुकेशन या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वाज नेशनलाइज्ड? ये मेरा ख्याल है फर्स्ट आएगा. हाँ, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और नेशनलाइज ये भी है. हाँ जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाला भी है. फिर सॉरी, ये तो ऊपर वाला पहला जो है ना, ये 1998 की पॉलिसी में है, और दूसरा जो है ये 1992 की पॉलिसी कंप्यूटर एजुकेशन. अभी हमने इसके दो क्वेश्चन, ये 98 में आया था. हाँ जी, और ये प्राइवेट एजुकेशन ये है 72, ये ही है 72 के अंदर इन्होंने उसको किया था नेशनलाइज. आगे जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिसाइडेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 कि टीचर्स वुड बी अवार्डेड ऑन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, सेकंड शिफ्ट वुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल, एनजीओस वुड बी प्रमोटेड, या ऑल ऑफ अबव? कितना था ये प्रयास? चलो फिर ऑल ऑफ अबव जो नहीं आता उसको ऑल ऑफ अबव, क्योंकि टीचर का तो था ही कि एक्सीलेंट. हां, टीचर्स की सैलरी की बात तो हमने 98 की पॉलिसी में पढ़ी है ना, के कोर्स की क्वालिफिकेशन की बेस पे जो है वो भी क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, परफॉर्मेंस की उसमें भी नहीं. सेकंडशिप वाला पोजीशन है इसमें. चलिए जी, मैं फिर सेकंड पे कर देता हूं. ये सेकंडशिप आने लगा है जिसका गलत में. यस, 13 गलत इसके सही हुए हैं जी, 7 गलतियां हैं हमारी. अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे गलत किया हमने. पहला तो हमारा था ठीक, दूसरा था गलत. ये है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कि नेशनल लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन एट हायर लेवल. ये अतीक भाई ठीक थे पहले, मेरा ख्याल आपने बात की थी. आर्ट्स ग्रुप
ये उन्होंने 60% कहा था कि हम इनरोलमेंट टोटल स्टूडेंट्स का 60% इनरोलमेंट आर्ट्स में लेंगे। साइंस का था 23 से 30%, और हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन ये 3 से 35% तक लेंगे। चले ये आगे मेजोरिटी आर्ट्स पे थी। चले अगला देखिए, मेरे पास 72 के सिक्स जो लिखे हुए हैं ना टेक्स्ट, उसमें यही है कि टेक्निकल एजुकेशन 40% है टेक्स्ट बुक बोर्ड में, और साइंस और आर्ट्स 30% है। चले इसको देख लेते हैं फिर। चलो मैंने हम बाद में खोल के चेक किया था, इसके अंदर 60% उन्होंने आर्ट्स का बोला था, आर्ट्स के शोबे में बहुत ज्यादा का 60%, तीनों शोबों पे तादाद बढ़ा, फनी तालीम को 5% से बढ़ाकर 33%, साइंस की तालीम में 23% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया। ये था हमारा वो कि फजलुर रहमान साहब ने जो है वो अपने सदारती खुतबे में क्या क्या कहा था, तो ये भी सारे ही थे कि उन्होंने सिटीजन की राइट्स की बात की, और बाइसिस को ख़त्म करने की बात की, और प्राउड फील करने की बात की। आगे हमारा गलत हुआ है जी, सतारवा, ये हमारा 7th नहीं 8th प्लान बनता है जी, 92 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये उन्होंने ना लिखा भी हुआ यही हुआ है जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है ना, उसमें उसके पॉलिसी के एंड पे दिया भी हुआ है कि इस पॉलिसी को बनाने के लिए 5 साल, 8वां 5 साल मनसूबा बनाया गया था 1993 से 1998 तक। ये 93 में यानी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है। उसके बाद अगला है जी ये कि 1958 के अंदर जो यूनिवर्सिटी शुड कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द 75% मार्क्स, तो 25% इंटरनल थे ना, तो फिर बाकी 75 बन गए, हमने 70 पे लगा दिया। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये भी ऑल ऑफ अबव ही आएगा जी, जो हमने एंड पे तुक्का लगाया। ये एनजीओस को भी प्रमोट किया गया था इसमें, और टीचर्स की सैलरीज की भी बात की गई थी, अवार्ड देने की बात की गई थी, साथ शिफ्ट सेकंड शिफ्ट वाली बात की गई। तो ये आज का हमारा जो था टेस्ट सेशन काम पजीर हुआ। कल कल जो है हम फिर कौन सा इसका स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, हिस्ट्री वाला हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो अब देख इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है फाउंडेशन टॉपिक। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है? इंट्रोडक्शन के बाद आती है फाउंडेशन आती है, फाउंडेशन फाउंडेशंस में से भी हमने ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन, पढ़ लिए हैं ना पहले ही, तो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उसको पढ़ लेते हैं फिर, फिलोसफी को, क्योंकि बाकी जो इस्लामिक हैं उसके आइडियोलॉजिकल बाद फाउंडेशन है या वो तो इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, वो तो छोटी छोटी हैं, तो हम बड़ी चीज़ किसको लिख, या करिकुलम है,